रस्सियों पर झूलते मशरूम के इन बैगों के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम इसी कहानी का लाइट कैमरा एक्शन करने वाले हैं। मिलिए अमर पड़वाल से। आज से कुछ दिन पहले तक ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। ये आज खेती कर रहे हैं और ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं। खुद का रोजगार शुरू करने की इनकी चाहत को फिल्मों की चकाचौंध भी नहीं रोक पाई। 10 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। आपको तो पता ही है, लॉकडाउन में ये ख्याल आया कि यार कुछ तो एक सेकेंड इनकम सोर्स होना चाहिए। और मेरी पैदाइश हुई थी फार्मिंग बैकग्राउंड वाले घर में, तो फार्मिंग में ही कुछ बिजनेस करना है ये पहले से तय था। तो लॉकडाउन से पहले 3-4 साल और लॉकडाउन के 3 साल, ऐसे लगभग 6-7 साल मैंने ढूंढना शुरू कर दिया था कि मुझे फार्मिंग में क्या बिज़नेस करना है। ढूंढते मुझे ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के बारे में पता चला। फिर जो भी बिज़नेस हम ढूंढते हैं उसके अच्छे भाग बुरे भाग, मतलब उसके बेनिफिट्स, उसके लूप होल्स, ये इसके बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं। जब मैंने मशरूम का स्टडी करना शुरू किया तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि ये इस बिज़नेस में वेस्टेज से हम सोना उगा सकते हैं। जैसे कि इसका रॉ मटेरियल है फार्मिंग वेस्ट, इससे निकलता है सबसे बढ़िया जिससे हम मीट को रिप्लेस कर सकते हैं, चिकन को रिप्लेस कर सकते हैं, बट है प्योर वेजिटेरियन वेगन प्रोडक्ट। उसी दौरान मुझे कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव के बारे में पता चला। वहाँ जाके मैंने संपर्क किया तो वहाँ पे मुझे श्री डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया उसके बाद ये कन्फर्म हो गया कि मुझे यही बिज़नेस करना है। फिर सितंबर 2020 में इसका मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन करना, ट्रायल करना शुरू किया। पौष्टिक गुणों से भरपूर मशरूम में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। अधिक प्रोटीन के कारण ही इसे शाकाहारियों का वरदान माना जाता है। ऑयस्टर को ढींगरी भी कहा जाता है। ढींगरी का मतलब है जीभ। चूंकि ऑयस्टर मशरूम जीभ की तरह ही बैग से बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम ढींगरी रखा गया है। तो ये करना था मुझे मेरे गांव में, जो बॉम्बे पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मार्केटिंग। स्टार्ट करने के बाद जैसे मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होने में लगते हैं 45 डेज, इसके 45 डेज में चैलेंज था मेरे सामने कि इसका वेंडर ढूंढे, जो मैं सक्सेसफुल हुआ और मुझे पुणे का एक वेंडर मिला जो मेरे यहाँ पे आके मेरा मटेरियल लेके जाता था पुणे में और वहाँ पे वो सेल करता था। इस तरह से इसका सेल हुआ। ये जो बैग है, एक बैग बनाने में मुझे लगभग 50 से 55 रुपये का खर्चा आता है और इस एक बैग से मुझे लगभग समझ लिए 1.5 से 2 किलो प्रोडक्शन मिलता है। और इसका अब भी इसका मेरा 150 रुपये केजी पर केजी का रेट मुझे मिल रहा है, उसमें सब खर्चा इंक्लूडेड है। तो लगभग अगर काउंट करें तो 50 से 55 रुपए की लागत में मुझे 300 रुपए का प्रोडक्शन मिलता है। अमर ने नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। यहां के वैज्ञानिक डॉक्टर दत्तात्रेय गावड़े का कहना है कि विश्व में शिटाके मशरूम के बाद ढींगरी ही सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अमर ने इन्ही से मशरूम उगाना सीखा। यहाँ के किसान भाई जो महाराष्ट्र के है बोलिया, तो ये ऑयस्टर मशरूम, 4 प्रकार के मशरूम हम कल्टीवेशन कर सकते। तो उसमें बटन है, बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, उसको ढींगरी भी बोलते। उसके बाद जो वाइट मशरूम है वो भी कल्टीवेशन कर सकते। उसमें शिटाके मशरूम के बाद ये जो हमारा ऑयस्टर मशरूम सेकंड नंबर पे आ जाता है और इसका जो कंजम्पशन है जो पूरा वर्ल्ड का, तो उसमें सबसे ज़्यादा चाइना का है और उसके बाद हमारा इंडिया में भी बहुत सारे लोग मशरूम का कंजम्पशन करते हैं। जो किसान भाई है इसको कम दामत में इसको प्रोडक्शन कर सकते, तो ये जो इसका कल्टीवेशन है तो लगभग 300 बैग का यहाँ हमारे यहाँ से केवीके से इन्होंने जब ट्रेनिंग लिया, जो
कृषि एवं किसान मंत्रालय है उसके माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे ट्रेनिंग लेते, तो इसमें हमने ये डिंगरी मशरूम का फार्मर के लिए एक ट्रेनिंग रखा था, उसमें हमने यहाँ ट्रेनिंग देके जो फार्मर अभी ट्रेन हो गए तो उन्होंने ये प्रोडक्शन यहाँ पर चालू कर दिया। और ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समर में भी ये मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे और इसका प्रोडक्शन लेके यहाँ पर जो मार्केट्स है तो उसको वो सप्लाई कर रहे, तो इसका जो बेनिफिट्स है वो फार्मर को भी अच्छी तरह मिलता है। मशरूम की शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे है, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो धूप में सुखाकर इसे 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों और बरसात के मौसम में धूप कम होती है तो सुखाने में परेशानी हो सकती है। बाय प्रोफेशन मेरा मास्टर हुआ है हिंदी लिटरेचर में, मैं टीचिंग फील्ड में काम कर चुकी हूँ, लेकिन जॉब या नौकरी करना मतलब उतनी खुशी नहीं दे रहा था। खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ होना चाहिए और खेती से संबंधित हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इसलिए मैंने उनसे भी ये कहा कि मैं मुझे बहुत खुशी होगी ये व्यवसाय करते हुए, इसलिए मैं उनसे जुड़ गई। मशरूम के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है डी विटामिन, जो सिर्फ हमें सूरज की किरणों से मतलब सुबह की जो किरणें होती है उसी से मिलती है। वो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो एकमेव सब्जी है जो मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम, उसी से मिलती है। अमर को खेती शुरू किए महज 3 साल हुए हैं, अभी उनके पास 300 बैग हैं। हालांकि भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 800 बैगों की क्षमता विकसित की है।